नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज है 10 अप्रैल, डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिनाका रॉकेट्स के बारे में बात करेंगे। ये एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है, और किसके द्वारा डेवलप किया गया? डीआरडीओ के द्वारा, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इंडियन आर्मी के लिए। नए बच्चे जो है तो देखिए बिल्कुल आपको डीआरडीओ का क्या मोटो है, कहाँ पे क्या हेडक्वार्टर कब क्या बना बिल्कुल पता होना चाहिए। आप दूसरा देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे, डीआरडीओ ने आई थिंक 2020 में ही एक और सिस्टम को लॉन्च किया गया था जिसका नाम है स्मार्ट सिस्टम, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉरपीडो सिस्टम। ये एंटी सबमरीन है, बिल्कुल याद रख सकते हैं, ठीक है। और पहली बार अगर पिनाका रॉकेट सिस्टम इसके बारे में बात करें ना कि बैटलफील्ड में कब क्या लॉन्च इसको यूज किया गया, तो पहली बार 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ था वहां पे इसको बिल्कुल यूज किया गया था। नेक्स्ट बात करें एयर गन सरेंडर अभियान के बारे में, हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं बिल्कुल उन्होंने ट्वीट किया है, तो बिल्कुल हमारे लिए जरूरी बन जाता है। ये कंजर्वेशन अभियान है और ये अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल इसे लॉन्च किया गया था 17 मार्च 2021 को, और ये कंप्लीटली वॉलेंट्री है, मतलब बर्ड्स के लिए मेनली एयरगन का यूज किया जाता है पक्षियों को उड़ाने उड़ाने के लिए, तो उसके लिए है, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में। ये बिल्कुल एक स्टेट्यूटरी बॉडी 2005 में स्टैब्लिश किया गया था अंडर कौन सा एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड करके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2006, मतलब 1972 वाला ये जो एक्ट है 2006 में अमेंड करके बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूट किया गया। पाके टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हैं गाइज, अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल पड़ता है और इसे पाकुई टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है क्योंकि हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर अभी यहां पे उन्होंने विजिट किया, तो इसलिए चीजें जरूरी बन जाती है। नेक्स्ट बात करें K2 वलम के बारे में, ये हाउस बोट है और देखिए मेनली हाउस बोट जो होती है ना, मतलब बोट के ऊपर ही घर होना, ये मेनली केरला में आपको काफी देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें लेक ग्रेगोरी के बारे में, बिल्कुल ये लेक जो है श्रीलंका में है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट बात करें यक्षगाना, बिल्कुल चर्चा में है यक्षगाना के बारे में बात करें, ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ कर्नाटका और एक दो डिस्ट्रिक्ट है केरला के, वहां भी बिल्कुल इसको परफॉर्म किया जाता है। ये बिल्कुल टेम्पल आर्ट फॉर्म है और इसे परफॉर्म किया जाता है परकशन इंस्ट्रूमेंट के साथ, कौन से क्या चेंदा है, मंडलम है, जगता का यूज किया जाता है, ठीक है। आप देखिए आर्ट फॉर्म की अगर हम बात करें, एंड इंट्रोडक्शन टू हमारी जो इंडियन आर्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, वो जो एनसीईआरटी की जो 11वीं क्लास की बुक है मैंने कंप्लीट 2 घंटे 13 मिनट में करवाई है, प्ले लिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, मजा आएगा रिविजन करने में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने कहा है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक टूल हो सकता है सोशल जस्टिस का। देखिए इसका मतलब क्या होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मतलब कोई भी डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व करने का कोई दूसरा तरीका, ठीक है। सीधा आप कोर्ट करते रहते हो, कोर्ट में तो इतने केस पेंडिंग है ना, तो उसका कोई दूसरा तरीका जैसे मीडिएशन हो, आर्बिट्रेशन हो, न्यूट्रल इवेल्युएशन हो, ठीक है, ये सब। नेक्स्ट बात करें संगीत नाटक अवार्ड, संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप है, ललित कला अवार्ड्स, ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? वाइस प्रेसिडेंट साहब के द्वारा। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स के बारे में बात करें, ऑन परफॉर्मिंग आर्टिस्ट टीचर्स स्कॉलर्स को दिया जाता है परफॉर्मिंग आर्ट के लिए, इन म्यूजिक डांस एंड थिएटर के लिए। एक कैटेगरी को रिजर्व रखा गया फॉर ट्रेडिशनल फोक ट्राइबल डांस एंड म्यूजिक के लिए। ये सब याद रहे ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन ये पता होना चाहिए कौन क्या देता है, वाइस प्रेसिडेंट साहब इसको बिल्कुल देते हैं। और किसको क्या दिया देखिए याद नहीं रख पाएंगे क्योंकि 34-35 के आसपास लोगों को दिया गया, तो भैया इतना सब बर्डन हो जाएगा, ठीक है, आपके ऊपर। नेक्स्ट बात करें तो देखिए GSLV पढ़ लेना अच्छे से, चर्चा में है GSLV, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। इन सबको पढ़ लेना, साइंस एंड टेक की बेसिक चीज़ें होती है, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, बायो टेक्नोलॉजी हो गया, है ना, ये चीज़ें काफ़ी काम DNA की अगर बात करें बहुत काम की चीजें होती है। उसके बाद में देखिए IPCC भी चर्चा में है, IPCC के बारे में बात करें इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज, ठीक है, पढ़ लेना, संक्राइज से कर लेना या कहीं से भी कवर कर लेना, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल खतरे में है, पाकिस्तान खुद खतरे में है। उसके बाद में बात करेंगे काउंटिंग राइनो, काजीरंगा नेशनल पार्क बिल्कुल चर्चा में, 1000 बार डिस्कस कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। इसी के साथ देखिए अगर आपका कोई सजेशन होता है, कोई सुझाव होता है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।